खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई आपके शहर में कौन सी चाट सबसे ज्यादा मशहूर है या कौन सा चाट वाला सबसे ज्यादा मशहूर है? आज का पूरा एपिसोड चाट का। क्या शुरुआत करें? एक ऐसी चाट जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगे, सिंपल रहे, उसके बाद थोड़ा मुश्किल करेंगे, देखते हैं गोलगप्पे कैसे बना सकते हैं। टिक्की अलग किस्म की, पीठी वाली अलग, एकदम आपने नहीं खाई होगी पहले वो। लेकिन शुरुआत करते हैं एक हरे चने की चाट से। इसके लिए हमें चाहिए क्या? ये हरे चने सूखे वाले, उसको भिगो ले। भिगोने के बाद नमक डालकर उसे प्रेशर कुक कर दे। ये देखिए, ये मेरे पास चने हैं। अच्छा, उसके बाद में ये जो है पानी, इसमें से सारा सुखा लें। और जब भी आपने ये चाट खानी हो तो बस ये गर्मा गर्म लें और उसमें ये ठंडे ठंडे प्याज और थोड़ा टमाटर, ज्यादा नहीं, हरी मिर्च जितना तीखा आपने खाना हो, हरा धनिया। जब हमने ये चने पकाए थे तो उसमें नमक डाला था, लेकिन इस समय काला नमक इसके ऊपर। चम्मच ना इस्तेमाल करें, हाथ से डालें तभी ज्यादा स्वाद आता है। जीरा भुना हुआ और उसके साथ साथ चाट मसाला, जिसमें ज्यादा तो होता है अमचूर, और उसके साथ साथ लाल मिर्च। कोई भी चाट जब तक चटपटी ना हो, खट्टी ना हो, तीखी ना हो, मजा नहीं आता। तो खटास अब इसमें ये लीजिए नींबू की खटास, और जो उसमें नीचे हरे चने हैं वो हैं गर्मा गर्म। अभी तक एक बार ये चम्मच ले लेते हैं जरा, और भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है सारे मसाले की। और अब बस आप मौका ढूंढें कि कब ये चाट बनेगी और कब आप खाएंगे एकदम हेल्दी। वाह, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद क्या करें। क्या मैं टिक्की गोलगप्पे सब लेके आ रहा। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप हरा चना पानी में भीगा हुआ, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, काला नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में हरे चने में 3 कप पानी और नमक डालकर करीब 7 से 8 सीटी आने तक इसे पका लें। अब इसे छान लें। अब पके हुए चने में कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर मिलाएं और सर्व करें।